और इस बीच रुक कर रहे हैं एक और बड़ी खबर का। अलीगढ़ से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। डिफेंस कॉरिडोर के मेन गेट का नक्शा पास हुआ है और सीएम योगी विश्वविद्यालय का अपडेट मॉडल देखेंगे। लोधा में राजा महेंद्र सिंह विश्वविद्यालय बन रहा है। शिलान्यास की तैयारियों की समीक्षा सीएम योगी करेंगे और सीएम योगी हर पल की अपडेट लेंगे, जानकारी लेंगे और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी सीएम के साथ शामिल होंगे और दोनों योजनाओं का शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और डिफेंस कॉरिडोर के मेन गेट का नक्शा पास हुआ है, अलीगढ़ से ये जानकारी मिल रही है। सीएम योगी विश्वविद्यालय का अपडेट मॉडल देखेंगे। लोधा में राजा महेंद्र सिंह विश्वविद्यालय बन रहा है और शिलान्यास की तैयारियों की समीक्षा मुख्यमंत्री सीधे तौर पर आप सभी जो कामकाज इस दौरान किए जाने हैं उनका कामकाज और क्या अभी तक काम किया गया है, कितना काम होना भी बाकी है, वो सभी जानकारी मुख्यमंत्री सीधे तौर पर लेंगे। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी इसमें मुख्यमंत्री के साथ शामिल होंगे और दोनों योजनाओं का शिलान्यास प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाना है। और इससे पहले इसीलिए मुख्यमंत्री सभी चीज़ों की कमान अपने हाथ में लिए हुए हैं। हर चीज़ का जो काम है जो यहाँ पर होना है वो बारीकी के साथ मुख्यमंत्री इस पर निगरानी बनाए हुए हैं। तो अलीगढ़ से ये जानकारी जहां डिफेंस कॉरिडोर के मेन गेट का नक्शा पास हुआ है और सीएम योगी विश्वविद्यालय का अपडेट मॉडल देखेंगे और मुख्यमंत्री दरअसल अपडेट मॉडल देखेंगे उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। लोधा में राजा महेंद्र सिंह विश्वविद्यालय बन रहा है और शिलान्यास की तैयारियों की समीक्षा मुख्यमंत्री को करनी है। और इस दौरान अलीगढ़ के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जब वो अलीगढ़ आएंगे दौरा करेंगे और साथ ही साथ सभी चीज़ों का आप यहां पर समीक्षा ली जाएगी और ऐसे में पूरे शहर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सुरक्षा समेत तमाम तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज योगी आदित्यनाथ खुद अलीगढ़ जाएंगे और हमारे संवाददाता ने पूरी रिपोर्ट तैयार की है, जरा आप भी देखिए। कल नरेंद्र मोदी के द्वारा होना, देखिए एक बार अगर हम बात करें, देखिए विशाल ये पांडाल सजकर तैयार हो चुके हैं, भारी मात्रा पर यहाँ पर पुलिस फोर्स भी तैनात है और साथ ही साथ में ये पूरा पांडाल, देखिए जो पांडाल बना हुआ है वो चार पांडाल बनाए गए, यानी कि स्टेज की जो मेन स्टेज है स्टेज की तरफ पांडाल बनाया गया और साथ ही साथ में स्टेज के दोनों तरफ पांडाल बनाए गए। हालांकि योगी आदित्यनाथ इसकी हर पल समीक्षा लेने की तैयारी में लगे हुए हैं। हालांकि माना ये रहा कि बस कुछ ही पलों में यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा यहां पर आएंगे और बाकायदा टोटल इसकी समीक्षा की, कारों में क्या क्या कमी रहेगी। देखिए भारी मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात है, पल पल की अपडेट एसएसपी कलानंद नेथानी द्वारा हर पल ली जा रही है और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि 5000 पुलिस के जवान के अलावा बीएसएफ के जवान, आरपीएफ के जवान और भारी मात्रा में, यानी कि क्या कह सकते हैं कि चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स यहाँ लगातार तैनात है। देखिए अगर बात करें हवाई अड्डों की, तो जो प्लेन आएंगे हेलीपैड बनकर तैयार हो रहे हैं, एक हेलीपैड बनकर ये तैयार हो रहा है, बाकी का जो पीएम नरेंद्र मोदी आएंगे उसके अलावा वो बड़े जो हेलीपैड बनाए जा रहे हैं वो उस तरफ हेलीपैड बनाया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने में पुलिस प्रशासन कोई भी कमी नहीं छोड़ रहा है। देखिए अगर मैं बात करूं, हालांकि बारिश की वजह से कहीं ना कहीं प्रोग्राम में थोड़ी बहुत कमी रही है जिसके चलते हुए बालू से लगातार तैयारी कर रही है। देखिए जितना ये बड़ा पांडाल है, पांडाल की अगर ये हम पूरी जगह की बात करें तो लगभग 92-73 एकड़ यानी कि 550 बीघे में राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी बनने जा रही है, यानी कि एक बड़ी पहल अलीगढ़ को साफ तौर से कहा जा रहा है क्योंकि कल नरेंद्र मोदी आएंगे और डिफेंस कॉरिडोर के साथ साथ राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का यहाँ पर कल शिलान्यास किया जाना। देखिए भारी मात्रा में पुलिस फोर्स लगातार तैनात है और पुलिस के जवान जो आते आ रहे हैं कि देखिए बस कुछ ही पलों में यहाँ रिहर्सल होना है और सारी सुरक्षा जो है एसपी जी के हाथों में चली जाएगी। देखिए एसपी जी के कमान लगातार दो दिन से डेरा डारे हुए हैं। देखिए पुलिस फोर्स पल चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात है और ये जो पांडाल बनाया जा रहा है, ये विशाल पांडाल जो बनाया जा रहा है जिसमें 1 से 1.5 लाख तक के लोगों के बैठने की व्यवस्था है, यानी कि कल नरेंद्र मोदी आएंगे बाकायदा 700 करोड़ की योजना और परियोजनाओं का यही से लोकार्पण और शिलान्यास होना है। इसके अलावा जो वक्ता है या सुनने वाले हैं वो कहां 1 से लेकर 1.5 लाख तक बैठ पाएंगे। देखिए
जो सेक्टर बने हुए हैं जिला वाइज सेक्टर के लोग यहाँ बैठने की व्यवस्था की गई है। यानी कि कहा यह सजेस्ट आ सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं उसके लिए जो कि इंदिरा गांधी के बाद अगर पहले पांचवी बार अगर कोई प्रधानमंत्री आएंगे तो वो आज आएंगे और यहाँ पर आने के बाद में पहली बार व्यवस्था की जाएगी। पुलिस की तैयारी की बस थोड़ी ही देर में ब्रीफिंग होने वाली है। देखिए तमाम यहाँ लोग आते जा रहे हैं, ब्रीफिंग की पूरी तरह से व्यवस्था की है क्योंकि माना यही जा रहा है कि एक बार पुलिस ब्रीफिंग हो जाए उसके बाद में थोड़ा अंदर के रूपरेखा के बारे में और पता चल पाएगा। देखिए बता दें सुरक्षा व्यवस्था यहाँ इतनी मुस्तैद है कि चार स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था बनाई है, यानी कि SPG की सुरक्षा, पहला मिलिट्री फोर्स की व्यवस्था, उसके बाद में PSC और बाद में लास्ट में पुलिस व्यवस्था। यानी कि जो पुलिस का घेरा बना हुआ है वो बाकायदा चार स्तरीय पुलिस फोर्स के सुरक्षा के बीच में कल नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे। देखिए तस्वीरें काफी बड़े बड़े बोर्ड लगे पड़े हैं क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का हम लोग आगमन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, आगमन पर स्वागत है। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात यही है कि नरेंद्र मोदी एक देश के अब ऐसे प्रधानमंत्री अलीगढ़ के लिए बनने जा रहे हैं जो पांचवी बार आएंगे और अलीगढ़ में संबोधन करेंगे। हालांकि इससे पहले कभी इंदिरा गांधी अलीगढ़ में चार बार आया करती थी लेकिन एक वर्चुअल रैली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को नरेंद्र मोदी और एक बार सम्मानित करेंगे। देखिए यहाँ का जो रोड है ये मेन रोड है लेकिन जहाँ ये यूनिवर्सिटी बनी है देखिए इन फ्लेक्सियों से अलग जहाँ ये यून का स्थान जो प्रावधान है या प्रस्ताव इसको बोला जाए प्रस्ताव भी सरकार के द्वारा भेजा जाएगा। यानी कि अलीगढ़ से लेके ये वाला जो पूरा रोड है 6 लेन करने का प्रस्ताव भी अलीगढ़ के द्वारा भेजा गया है कि ये जो यूनिवर्सिटी के लिए 6 लेन रोड यहाँ के लिए प्रस्तावित हो गया। देखिए आज बस कुछ ही देरों में UP के मुखिया योगी आदित्यनाथ आएंगे, बाकायदा समीक्षा बैठक होगी। समीक्षा बैठक में यहाँ की किस तरीके की कार्यकारिणी है अधिकारियों के साथ पूरी तरह से बैठक करेंगे और बैठक करने के बाद जो भी दिशा निर्देश होंगे वो दिए जाएंगे। लेकिन तमाम यहाँ की जो पुलिस फोर्स लगी हुई है तैनात पुलिस फोर्स तैनात है। सामने अगर मैं अपने साथी से कहूँगा कि एक बार जूम करके दिखाएं कि जो पहाड़ जो पूरी व्यवस्था यानी कि 3 से 4 पांडाल यहाँ बनाए हुए हैं, 1 से लेकर 1.5 लाख तक के लोगों के बैठने की यहाँ व्यवस्था लगातार तैयार, पुलिस फोर्स यहाँ लगातार मौजूद है, सुरक्षा व्यवस्था में लगा हुआ है। यानी कि चाहे वो बम डिटेक्टर की बात करें, किसी भी टीम की बात करें, हर टीम आ रही है और बाकायदा पूरी सुरक्षा व्यवस्था देख रही है। देखिए जहाँ तक आपने ये पूरा जो प्रांगण है ये 550 बीघा जमीन यानी कि जितना बड़ा ये प्रांगण आपको तस्वीरों में दिखा रहा है क्योंकि अभी अंदर जाने के लिए क्योंकि रिहर्सल होना है, जैमर की गाड़ी आ चुकी है बस कुछ ही देर में, यानी कि जो भी वाहन है वहाँ पर उन सबको रोका जा रहा है। रोकने के बाद जो भी सुरक्षा व्यवस्था है उसकी तैयारियाँ बस पूरी होने वाली है। थोड़ी देर में ब्रीफिंग होगी, ब्रीफिंग होने के बाद में यहाँ पे UP के मुखिया योगी आदित्यनाथ आए। और ये ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखी है और इसी को लेकर के ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मोहित गुप्ता हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। मोहित, क्या अभी तक तैयारियां हैं और तैयारियों की जो तस्वीर इससे पहले तक आपने दिखाई, आपसे कुछ ही देर में मुख्यमंत्री भी पहुंचने वाले हैं, क्या अभी तक अपडेट है? बिल्कुल शुभेंद्र, जो मंच सच्चा तैयार हुआ है उसको अंतिम रूप देने की पूरी तरीके से तैयारी की जा रही है। हालांकि बस कुछ ही देर में 12 बजे का टाइम दिया गया है कि यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगभग 12 बजे आएंगे और 12 बजे आने के बाद में साथ इनके डिप्टी CM भी होंगे और पूरा वो समीक्षा बैठक करेंगे। देखिए ये जो पूरा रोड है यानी कि जिस रोड को मैं दिखा रहा हूँ, ये जो पूरा रोड है ये रोड 6 लेन यानी कि अलीगढ़ से लेके जो लोधा के नंदरोई गांव में जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह जो यूनिवर्सिटी जहां बन रही है वहां पर ये पूरा 6 लेन का लगभग 5000 से ऊपर पुलिस कर्मी और साथ ही साथ में पैरामिलिट्री के फोर्स, चाहे वो BSS के जवान हो या CSS के जवान हो या RPF के जवान हो, यानी कि भारी मात्रा में पुलिस फोर्स यहाँ मौके पर तैनात है। 4 पांडाल बनाए गए हैं, एक बीच में पांडाल बनाया गया है जिसके अगल बगल 2 पांडाल और बनाए गए हैं, यानी कि 1 से 1.5 लाख तक के लोगों के बैठने की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि चूंकि जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी को जो बनना है इसमें लगभग 395 महाविद्यालय इसमें एकत्रित होंगे, यानी कि 4 जिला या चाहे वो हाथरस हो, एटा हो या कासगंज अलीगढ़, यानी कि चारों जिलाओं के जो यूनिवर्सिटी है वो अब राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी जिसका कल जो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका शिलान्यास होगा, साथ ही साथ में डिफेंस कॉरिडोर का भी शिलान्यास होना है। जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको मद्देनजर रखते हुए तमाम यहाँ पुलिस फोर्स तैनात है, चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई, साथ ही साथ में CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। जो 4 पांडाल अंदर बनकर तैयार हो गए हैं वहाँ CCTV कैमरे लगाए हैं। NHG फोर्स आ चुकी है,
जो विशेष बिल्कुल बोले तो जाहिर तौर पर ये बड़ा सुरक्षा का घेरा यहाँ पर तैयार किया गया है। और प्रधानमंत्री क्योंकि जब 14 तारीख को आएंगे तो उससे पहले अभी तक कितनी तैयारियां की गई हैं इसको लेकर के मुख्यमंत्री खुद समीक्षा कर रहे हैं। मोहित आप हमारे साथ बने रहिए है।